दिवाली के खास मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। लोग बाजार में खरीदारी करने में व्यस्त हैं और इस बार बाजारों में मिट्टी के दीयों के साथ मॉडर्न एलईडी लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं। बाजार सज चुके हैं, हर जगह दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। इस बार बाजार में घर को सजाने के लिए मॉडर्न दिए एलईडी लाइट्स भी मौजूद हैं। बावजूद इसके मिट्टी के दीयों का क्रेज आज भी बरकरार है। लोग आज भी अपने धार्मिक काम के लिए मिट्टी के दीयों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके दो रीजन है, जैसे हम पहले मिट्टी के दिए तो पहले भी लेते थे, अब डिजाइनर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हम सजते हैं, अपने लिए सजाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के लिए भी अच्छे से अच्छा ले, उनके लिए भी डिजाइनर ले, हम अपने लिए डिजाइनर वेयर लेते हैं। और मिट्टी का इसलिए स्पेशली प्लास्टिक के आते हैं और इलेक्ट्रिक आते हैं, पर मिट्टी में जो पूजा हम करते हैं ना तो उसमें महत्व मिट्टी का ही दिया होता है। दे आर इको फ्रेंडली, अपार्ट फ्रॉम दिस वो एक अच्छा ग्लो देता है घर पे। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल या जो भी हम इलेक्ट्रिक लाइट्स यूज करते हैं, ठीक है, इट्स समथिंग कंज्यूमिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग, नॉट इको फ्रेंडली। और ये दे आर कलरफुल, दे लुक गुड, पोर्टेबल है, हैंडी है, कभी भी लेके जा सकते हैं। एंड इट्स लाइक किसी के एफर्ट्स हैं, अभी भी हम अगर देखें तो हम रूरल एरिया के लोगों को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए भी टाइम है व्हेन दे कैन अर्न गुड। दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन समय बदलने के साथ ही लोगों के व्यवहार, रहन सहन, रीति रिवाजों में बदलाव आ गया है। त्योहारों पर अब टेक्नोलॉजी हावी हो गई है। अब आर्टिफिशियल बैक्स लाइट और एरोमेटिक कैंडल लैंप एलईडी लाइट्स ने बाजारों में धूम मचा रखी है। नॉर्मल पहले जमाने में दीये लोग जलाते थे, आजकल वो टी लाइट ने ले ली है। टी लाइट भी बहुत तरह की मल्टी कलर्स में आती है, परफ्यूम्ड आती है, ग्लिटर में आती है। उसके अलावा इस साल काफ़ी अच्छी एलईडी कैंडल्स आर्चीज ने लॉन्च करी जो काफ़ी मूवमेंट में है और बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट तरह के, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, आपको कराए सारे मैनुअल भी मैं आपने देखा। घर को सजाने के लिए मिट्टी और डिजाइनर दीयों की भरमार है, लेकिन जरूरत है खुशियों के दीप जलाने की। तो इस दिवाली मिट्टी के दीयों के साथ घरों में खुशियों के दीप जलाएं।